देवास जिले के बागली में उपवन मंडल के पुंजापुरा रेंज के दोषी बाबा के जंगल में कक्ष क्रमांक 540 में भीषण गर्मी के चलते बंदरों की मौत हो गई है। हालांकि वन विभाग सिर्फ 15-20 बंदरों की मौत होना बता रहा है, जिसके बाद से ही वन विभाग में हड़कंप मच चुका है। गांव मानसिंहपुरा के एक बकरी चराने वाले 12 वर्षीय बालक ने पूरे मामले का 6 जून को खुलासा किया था। बालक जंगल में बकरी चराने गया था, उस दौरान जब पानी के लिए बंदरों को तड़पते हुए देखा तो 3 दिनों तक बालक ने अपने पास रखा पानी बंदरों को पिलाया। उसी दौरान जब उसने देखा कि मरे हुए बंदर पड़े हुए हैं तो उसकी सूचना गांव के बजरंग दल शिवसेना के कार्यकर्ताओं को दी थी। मैं बकरी चराने आया था इधर, जब भी मैंने बंदरों को प्यासा तड़पते हुए देखा और कुछ मरे हुए भी देखे, फिर मेरे पास पानी था, उसे मैंने चरू से मतलब डाल के पानी पिलाया कुछ बंदरों को और जीवित रखा। उसके बाद मैं घर गया और मतलब घर से और पानी ला के पिलाया, 2-3 रोज तक पिलाया। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया और व्हाट्सएप पर डाल दी और फिर गांव में मतलब खबर मिली। उसके बाद मीडिया वाले और ये आए थे। क्या और कितने क्या बंदर आपने देखे यहाँ पर मरे हुए? यहाँ मरे हुए लगभग 100-150 देखे और कुछ मतलब ढूंढने पर और भी मिल रहे हैं। अच्छा, अभी भी मतलब मरे हुए बंदर मिले रहे जंगल? हाँ, अभी भी मतलब मिल रहे हैं। आप अभी और देखा आपने जंगल में? घूमे आप? हाँ, घूमे कम से कम 15-20 तो अभी मतलब नए देखे, मरे हुए देखे। हाँ। क्या वन विभाग की टीम आई यहाँ पर? हाँ, आई है। मामले का खुलासा होने पर वन विभाग द्वारा हाथों हाथ जंगल में बंदरों के लिए पीने के पानी के लिए अलग अलग 3 से 4 जगह टंकी रखकर पानी भरा गया। वन विभाग के DFO NK मिश्रा भी जंगल पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता से जानकारी ली। ऐसा नहीं है, 100 से ज़्यादा संख्या नहीं है और कई बार क्या है कि कुछ बंदर नेचुरल डेथ भी होते हैं। आज की डेट पे अगर मुझसे कहें तो ये आंकड़ा जो है 15 के अंदर है और हमने इसको पूरी तरह से दिखवा लिया है, आगे भी हम इसको दिखवा रहे हैं। अकेला अगर जंगल में पानी की कमी होगी तो एक अकेले बंदर पर असर नहीं पड़ता है, दूसरे जानवरों पर भी असर पड़ता है। यही थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी और ज़्यादा गहन जाँच करा रहे हैं कि दूसरे जानवरों को तो नहीं किसी तरह का नुकसान पहुँचा। और अभी की तारीख पर, आज की डेट पर दूसरे जानवरों के मरने की खबर नहीं आई है पानी की कमी से, तो हम दूसरे एंगल्स पर भी काम कर रहे हैं। सर, बागली वन परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी वन पानी है अन्य जंगल क्षेत्रों में भी, तो क्या वहाँ पर भी कुछ पानी की व्यवस्था की जाएगी या कुछ? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 महीनों में जितनी भी झिरियाँ हैं जो इस साल खोदी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं और मैं आपको रेंज के सारे रिकॉर्ड उपलब्ध करा दूँगा। और यहाँ पर वन्य प्राणियों के पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की झिरियाँ उपलब्ध कराई गई हैं और अभी तक पिछले 10-15 दिनों तक कहें तो हमें प्रॉपर रिपोर्टिंग मिली हुई है और कहीं भी किसी जानवर के मरने की हमको खबर नहीं मिली है। अकेले बंदरों का मरना निश्चित तौर पर एक जाँच का विषय है कि सिर्फ बंदर ही क्यों मर रहे हैं, बाकी जानवर क्यों नहीं मरे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंडर एनिमल जो होता है वो होता है डियर। तो डियर सबसे पहले उसको पानी की कमी से मरना चाहिए, अगर पानी की कमी है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इससे ये तो जांच का मुद्दा है और ये हमने वाइल्ड लाइफ विंग को भी निवेदन किया है कि वो भी अपने एक्सपर्ट को भेजेंगे जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट हैं, तो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट अलग से आके इसके बारे में जाँच करेंगे, वेटनरी के एक्सपर्ट अपने एंगल से जाँच करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पानी की उपलब्धता को और बढ़ाना है। तो हम बिना किसी आगा पीछा देखे हुए, अभी बजट की थोड़ी कमी हमारे पास है, लेकिन इमीडिएटली हम सबसे पहले पानी का इंतजाम करेंगे, बजट की हम मांग कर लेंगे, जो जब भी मिलेगा हम उसका प्रबंध करते रहेंगे। सर, क्या दिशा निर्देश आज आपने जो है संबंधित अधिकारी को दिए? देखिए, मैंने अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस पूरे क्षेत्र की ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करें और ये कॉम्बिंग ऑपरेशन कोई 1 दिन और 2 दिन नहीं चलेंगे। जब तक ये हीट वेव्स चल रही हैं हमारे स्टाफ भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों की कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग करने के लिए मैंने ये भी कहा है कि आप अकेले कॉम्बिंग ना करें, ग्रामीण जन समुदाय को साथ में लेके चलें, आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो हमारे ग्रामीण बंधु हैं, उनको साथ में लेके चलें, जनप्रतिनिधियों को भी उनको नॉलेज में डालें, क्योंकि ये प्रकृति में अगर बदलाव आ रहे हैं तो बदलाव का सबसे बड़ा संकेत जो होते हैं वो वन्य प्राणी ही होते हैं और वन्य प्राणियों की आकस्मिक और अचानक मौत जो है वो निश्चित तौर पर अलार्मिंग है और इसके लिए हम सभी को सजग रहना पड़ेगा। थैंक यू। वहीं DFO ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पर बंदर रहते हैं उक्त स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कर जिम्मेदार दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट।